कोतवाली पुलिस ने नगर के केतल गेट स्थित मोहल्ला 12 सेमी निवासी पूनम रानी की शिकायत पर पीएम आवास योजना शहरी की फाइल पास कराने के नाम पर ठगी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। मोहल्ला 12 सेमी निवासी पूनम रानी ने अपनी तहरीर में बताया कि कुछ समय पूर्व उन्होंने पीएम आवास योजना शहरी में पंजीकरण कराया था। मंगलवार को एक कॉल आई, फोनकर्ता ने पूनम को सूचना दी कि आपका नाम योजना की सूची में है, हम घर आकर सर्वे कर रहे हैं, आपको कुछ कागजात जमा करने हैं। पूनम रानी ने फोनकर्ता को कागज देने हेतु बुधवार को घर बुला लिया। बुधवार को सर्वे करने दो फर्जी सर्वेक्षण पहुंचे और फाइल पास कराने के नाम पर 15,000 रुपए की मांग करने लगे। पूनम को दोनों ठगों पर शक हुआ तो उन्होंने अपने परिवार के ही भाजपा नेता मंतेश को बुला लिया। पूछताछ करने पर दोनों ने अपना नाम मोहम्मद यामीन और शकील बताया। तत्काल मंतेश ने डोडा विभाग के जेल से संपर्क किया तो दोनों ठगों का भांडा फूट गया। मौका पाकर एक ठग भागने में सफल हो गया जबकि एक को दबोच कर भाजपा नेता मंतेश ने स्थानीय विधायक एवं सरकार में मंत्री गुलाबो देवी के घर पर पेश किया, जहां मंत्री के पति ने पकड़े गए फर्जी सर्वेक्षण को पुलिस को सुपुर्द कर दिया। यहां बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना का संचालन डूडा एवं शासन द्वारा नामित निजी संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। इस प्रकरण में शासन से नामित निजी संस्था के जिला समन्वयक की ओर से भी दोनों नटवर लालों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने हेतु तहरीर दी गई है। पूनम, क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ हुआ, एक दिन पहले फोन आया था मेरे पति की के मोबाइल पर, उन्हीं का नंबर पड़ा हुआ था मेरे डोडा प्रधानमंत्री योजना वाली फाइल पे। मैंने कहा कि 3 बार मैंने फाइल जमा कर चुकी हूँ, उसके बाद भी तो बोल रहे कि सब तैयार कर लो, ये नंबर वहीं से ही आया है, अब तुम्हारा पैसा आना ज़रूरी है बस, और सब काम तैयार है, और ये फाइल नखलऊ से पास हुई है, ये भी बोला था उन्होंने मुझसे। और ना तो मैंने कि मेरी फाइल तैयार है, तो उन्होंने सब सामान लिखा था, ये आधार कार्ड और नगर पालिका की हाउस टैक्स की रसीद और ना 2 फोटो छोटे एक बड़ा 3x2 का, और इसने कार्ड मेरा सब बता दी। और फिर मेरे घर, मैंने कहा मेरे घर पे आ जाओ पुराने वाले पे, मैं तो वहाँ पर सब साजे का घर है उसमें रह रही हूँ, मेरा मकान है आवास विकास में, तो 3 खिंचा हुआ फोटो आया, उसके बाद बोले हमें 15,000 तो तुम्हारी फाइल पास हो जाएगी जी। फिर ये पकड़ा कैसे गया? पकड़ा, मैंने अपने देवर को बुलाया, फोन करा, उन्होंने बुलाया कि इनसे मेरे जरिए, क्योंकि मेरे पति का ऐसे मंतेश, उन्हें बुलाया, बुलाने के उपरांत उन्होंने सब बातें ना, मेरे तरीके से मुझ पर तो करनी आती नहीं है, वो सब जगह बैठते हैं, उन्होंने तरीके से अपनी से बात करी और अपनी पम्मा से यहाँ कहाँ फ़ोन मिलाया, उससे मालूम नहीं पड़ी कि उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा उस विभाग से भेजे गए हैं, उन्होंने मना कर दी। फिर उन्होंने वो बारम्बार प्रशांत का नाम ले रहे थे, प्रशांत का नाम ले रहे थे कि मुझे प्रशांत ने भेजा है। तो भाई मौके पे पुलिस आई, पुलिस लगी पकड़ के इसको? नहीं, मंत्री जी के यहाँ ले गए थे। अच्छा, मंत्री जी भी ले गए थे? हाँ, वहीं पुलिस ने मुझको बुलाया, वहीं से पुलिस ले गए। हाँ, और जो भाग निकले थे वहाँ से मेरे घर से। कितने लोग थे? दो। कितने पकड़े गए? एक पकड़ा गया, दूसरा कहाँ गया? दूसरा भाग गया बातों में। इंतजवाशनी, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। क्या मामला था आज, आपने किसको पकड़ाया, कौन है वो? एक व्यक्ति पूनम नाम की एक महिला है, मोहल्ला 12 सेमी में रहती हैं, उनके यहाँ पर 2 व्यक्ति आए थे, उन्होंने मुझे बीजेपी के होने के नाते बुला लिया था, और उन्होंने जब मैंने उनसे पूछा आप कहाँ से आए, तो बोले हम डूडा विभाग से आए हुए हैं। तो मैंने डूडा विभाग से आपको किसने भेजा है, तो बोले प्रशांत सर हैं, उन्होंने भेजा है। तो मैंने कहा आप जेई साहब को जानते हैं, क्षेत्रीय जेई जो चंदौसी के? तो बोले नहीं। तो मैंने कहा मैं बात कराता हूँ आपकी, इन्होंने वहाँ पर पैसे की डिमांड रखी थी पूनम जी से, 15,000 रुपये मांगे थे। किस चीज़ के, किस काम के लिए? कि आपका मकान स्वीकृत हो जाएगा वरना कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से बात कर रहे थे, जब मैंने उनसे करा तो ये होपलेस हुए, मैंने इनकी जेई से बात कराई थी तो होपलेस हुए, जेई साहब ने मुझे दोबारा कॉल करके इन्होंने काट दिया, मेरी बात नहीं कराई। फिर उन्होंने कॉल करके कहा इनको पकड़ लीजिए, फर्जी व्यक्ति हैं। मैं आ रहा हूँ। तो मैंने माननीय मंत्री जी के हस्बैंड श्री रामपाल जी से बात की, उन्होंने कहा तुम इसको यहाँ ले आइएगा और मैं प्रशासन को बुलाता हूँ, डूडा विभाग से बात करता हूँ। हम उनके यहाँ लेकर पहुँचे, उन्होंने पीओ मैडम हैं डूडा विभाग के, उनसे बात की, उन्होंने कहा ये फर्जी लोग हैं। और तो माननीय मंत्री जी के हस्बैंड ने कहा मैं थाने में भिजवा रहा हूँ, आप एक तहरीर भिजवा दीजिए, वो तहरीर भेज रही हैं और हमने इसको थाने में दे दिया। इसके पास से हमें एक लिस्ट, स्वीकृति वाली लिस्ट प्राप्त हुई है, जो कि विभागीय गोपनीयता के साथ ये लिस्ट है और वो इसके पास निकली है। इसके साथ एक यामीन नाम का व्यक्ति था, वो भाग गया, ये भी भाग गया था, मैंने काफ़ी दूर जाकर इसको बाइक से पकड़ा था।
चोर चोर करके पकड़ा था, वरना ये हत्या नहीं आता ये भी।